तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया है कि आप यहाँ पर अपना वक्त सर्व करके आए हैं। मैं सरपंच हूँ पंचायत हल्का दराज एक का। पीछे जो कोई एक ऐसा ग्रोह वहाँ आया कि जिन लोगों ने मेरे एक पंच को हरासमेंट करके स्टैंड अप कर दिया, और ये काफ़ी दिन जो है उन लोगों ने अपने हरासमेंट में रखा। उसके बाद मेरे पंच को कहीं मौका मिला तो ये वहाँ से वक्त निकाल के ये यहाँ से कश्मीर बार सीट चला गया और वहाँ से जाकर इसने। हाँ जनाब, मैं सरपंच हूँ चाहे हल्का दराज ए का ब्लॉक कोटरंका बुद्धल से। मेरे खिलाफ एक साजिश वहाँ एक ग्रुप ने शुरू की, जिसने मेरे एक पंच को वहाँ से साजिश करके उठाया। वे मेरे खिलाफ जाली स्टैम्प लगवा के उनको उकसा करके हम अदम एतमाद कराएंगे। तो मेरे पंच को जब मौका मिला तो वहाँ से वो भाग के कहीं कश्मीर में चला गया। वहाँ से वापस मुझे आके कॉल की कि आप आओ, हम जम्मू, हम अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते, हम जुल्फकार साहब के पास जाएंगे। तो मेरे पास ये मेंबर जो तीन के तीन है मेरे पास चले आए। तो इसलिए मैं आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो साजिश करने वाले लोग हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि जो ऐसे मेरे लोगों को जाली साजिश करके स्टैंप लगवा के कहते हैं कि हम अदम एतमाद करा लेंगे, और मेरे अपने लोगों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पंच खुद बताएंगे हम किसके साथ हैं। मैं अपने सरपंच के पास हूँ और बाकी हम इसी के साथ रहेंगे। और तीन आदमी ने मेरे नाल ऐसा किया, मेरी मोर ऐसा जोर से लाकर इसके दरमियान में मेरे दरमियान में झगड़ा बना के मैं नस के कश्मीर गया, लार शरीफ गया मियां साहब के पास। और बाकी गल इस रह गया, अपना सरपंच अपने के पास है और इन लोगों ने तीन आदमी ने मेरी मोर ला गए और जाली गल इस रह गई बना गए और मेरे खिलाफ गल यह है कि थाने का रिपोर्ट भी दी। कौन कौन था इसमें? इसमें था बिट्टू और गल यह है कि एंचल और दुआ के ना छोटू, तीन आदमी पंचायत को खराब करने के लिए। जी हमारी कोई बात नहीं, हम सरपंच के साथ चलेंगे, साथ छात हूँ सर, हम सरपंच के साथ चलेंगे और रहेंगे आज से बाद, और है भी सरपंच के साथ। फॉर्चुनेट है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से उनको चलने नहीं दिया जाता है। हमारे वहाँ कोटरंका ब्लॉक के जो दराज पंचायत है वहाँ की इलेक्टेड जो बॉडी है उसको पैसे के जोर पे और अपनी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पावर्स हैं उनको मिसयूज करके वहाँ के सरपंच को हरास करके और उसके पावर्स को सीज करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे आपने सुना भी और हमारे एक पंच ने भी आपको बताया कि उसको किस तरीके से ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए, ज़बरदस्ती उसकी स्टैंप लगवाई गई, ज़बरदस्ती उससे रेजोल्यूशन पे साइन कराई गई, और ताकि हम वहाँ के जो चुना हुआ लोगों का डायरेक्टली इलेक्टेड सरपंच है उसके खिलाफ अदम एतमाद कर सके, क्योंकि वो एक पार्टी के साथ तल्लक रखता है और वो लोगों की खिदमत कर रहा है, उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस है, उसको अरोड करने के लिए और इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश है। इससे मजमूई तौर पर इस किस्म की चीज़ों से जो है वो पंचायत के लोगों का नुकसान होता है, पंचायत में काम नहीं होते हैं, लोग सफ़र करते हैं। तो आज तमाम जो पंच हैं वो उनने पूरा भरपूर दोबारा से अपना एक कॉन्फिडेंस जो है मेजॉरिटी ने सरपंच पे रिपोज किया है, और हमें उम्मीद है कि ये लोगों की एक्सपेक्टेशन और उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, मैं यही कहूँगा कि मजमूई काज तो लोगों की खिदमत करना होता है और फोकस हमें लोगों की खिदमत करने पे करना चाहिए, ना कि सरपंचों को हटाना और पंचों को लगाना, पंचों और सरपंचों की लड़ाई करवा के और इलाके में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करना। इससे हासिल कुछ नहीं होता, इससे जो बुनियादी मकसद आवाम की खिदमत करने का है वो डिफीट होता है। तो मैं सभी से अपील करूंगा, तमाम बाकी जहां जहां भी इस किस्म की हरकत की जा रही है कि इस किस्म की हरकतें न की जाए, क्योंकि इलेक्शन आएगा, लोगों ने चुना है, अगर कोई गलत होगा तो कल वक्त आने पर लोग खुद उन लोगों को दोबारा से हटा देंगे। लेकिन इस तरीके से गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीके को अवॉइड करना चाहिए। वार्ड नंबर 6 को पंच सरपंच का नाल जनाब को दो आदमी इलेक्शन लड़े था सरपंच साहब के नाल, उन्हें
पंचायत के बीच बुरी हालत करके रखी है, कोई काम नहीं करने देता, तो लोग बुरी मुसीबत पर चढ़े हुए हैं। हम सरपंच साहब के नाम ठीक है।